इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस तो इस लेक्चर में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में पहले आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में उस कंपाउंड में किसी भी एक एलिमेंट को डिटेक्ट करना उसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूज करते हैं कि एक कंपाउंड में कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि अगर एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बना होता है तो मान लेते हैं कि अगर आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पता करना है कि वेदर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन और नॉट तो कौन सा टेस्ट हम उसके लिए परफॉर्म करते हैं उसी लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते अच्छा एक इसी का एक और पार्ट आता है कि एक तो हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हमने पता किया एक और पार्ट इसका आता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना पार्ट है कितना वेट है कितना मास है उसको पता करने के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट है या नहीं है उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करने जा रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन या हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं पहला हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को पता करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट काम में लेते हैं उसका नाम है लेबिक्स टेस्ट पहला क्वेश्चन क्या होना क्योंकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन पता करना है ठीक है थीके? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है उसकी पता कर रहे हैं उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो आपके पास बनता है सीओ और साथ में कॉपर अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन पता करना है तो हम क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो यहां वॉटर और सीयू बनता है एक एक तो ये एक ये प्रोसेस है है पहला स्टेप है। फिर फिर देखिए ये जो सीओ बना इस सीओ को पहचानने का क्या तरीका है क्योंकि अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा और कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करेंगे तो सीओ बनना तो तय है अब टू बना या नहीं उसको कैसे पता करते हैं वो सुनिए ये जो तो बना है इसको हम क्या करते हैं लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो जैसे ही CO2 को हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की का कन्वर्ट कर देता है मिल्की ने इसमें कन्वर्ट कर देता है तो CO2 को लाइम वाटर लाइम वाटर क्या होता है Ca(OH)2 इसको लाइन वॉटर कहते हैं ये क्लियर सेल्यू सल्यूशन होता है जब CO2 पास करवाते हैं तो आपके पास मिल्की सोल्यूशन बनता है और यह मिल्कि सोल्यूशन क्योंकि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड होता है है उसका प्रेसिपिटेट बनता तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि CO2 बना है। और अगर सीओ टू बना है तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है अच्छा ध्यान से सुनिए अब एक और तरीका है कि सीओ टू बना है या नहीं है इसके लिए हम क्या करते हैं सीओ टू को एक्सेस में लेते हैं ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना यहां आप सीओ टू एक्सेस में ले लीजिए तो क्या होता है सीओ टू एक्सेस में जब लेते हैं तो ये वापस से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है एंड इट इज सोल्यूबल इन वॉटर तो जो मिल्कीनेस प्रोड्यूस हो रहा था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आप सीओ टू एक्सेस में लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यूटिलाइज होगा जो मिल्कीनेस था वो अब डिस हो गया तो ये पहचानने का तरीका है कि सीओ टू बना है या नहीं बना है नेक्स्ट अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो आपके पास ये बनता है अब इस प्रोडक्ट को पहचानने का क्या तरीका है कि कब बना बना है या नहीं बना है इस प्रोडक्ट को इसके लिए हम क्या करते हैं यहां जो प्रोडक्ट बना उसका रिएक्शन करवाते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ में किसके साथ में सीयूएसओ जो कि व्हाइट कलर का होता है तो वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है तो आपको पता है CUSO4 plus CUSO4 ये मिल के आपके पास बना लेगा CUSO4 इसको बुलाते हैं ब्लू बेट्रोल तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले तो आपको ब्लू बेट्रोल का फॉर्मूला ही पूछ लेगा फिर वाटर हाइड्रोजन पता करने के लिए किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं सीयूएसओ फोर के साथ में रिएक्शन करवाते है? कर हैं तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड पता करने के लिए हम क्या करेंगे लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो सी एस ओ एच होल्ड ट्वाइस फिर एक्सेस में करेंगे तो वो जो मिल्कीनेस था वो खत्म हो जाएगा वाटर को पास करवाएंगे सी ओ एस ओ फोर तो व्हाइट से ब्लू विट्रोल बनेगा नेक्स्ट आइए देखिए हमने कार्बन और हाइड्रोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उसको किस टेस्ट से पहचानेंगे ये तो हमने सीख लिया अब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हो फास्फोरस हो सल्फर हो या हेलोजन का पता करना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं कौन कौन सा नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर हेलोजन को पता करना है तो इसके लिए जो टेस्ट हम यूज में लेते हैं उसको वो लेते हैं उसको बुलाते हैं लसाइन टेस्ट तो सबसे पहला क्वेश्चन लसाइन टेस्ट किस एलिमेंट के पता करने में यूज करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर और हेलोजन ठीक है यानी लसाइन टेस्ट से डिटेक्टेड जो एलिमेंट है वो आपके पास ये सब है अब इसमें क्या करते हैं तो पहले तो ये लाइन पढ़ लीजिए कि नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हेलोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लसाइन टेस्ट ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि लसाइन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करवाना पड़ता है देखिए लसाइन टेस्ट इन सब एलिमेंट को पहचानने का तरीका है पहचानने का टेस्ट है तो पहले इन सब एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर कैटाइन में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं लसाइन टेस्ट में क्या करते हैं पहले हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं

को अगर टेस्ट करना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं तो सोडियम फ्यूडियम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट करते हैं तो आपके पास जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड आयन में और यही साइनाइड आयन का हम टेस्ट लगाएंगे और फिर हम ये बोल देंगे कि, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है साइनाइड आयन में तो क्या करेंगे Na प्लस सी प्लस नाइट्रोजन इसको हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड और ये आयोनिक कंपाउंड है यानी आयन और ये वाटर है अगर सल्फर को टेस्ट करना है तो सल्फर को हम कन्वर्ट करवाएंगे एस टू नेगेटिव आयन में इसलिए इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा सोडियम सल्फाइड जो कि वाटर सोल्यूबल है अगर आपको हेलोजन को टेस्ट करना है तो हम हेलोजन को कन्वर्ट करेंगे सोडियम के साथ रिएक्शन करवा करके एनए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है हेलोजन में आपके पास फ्लोरीन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है याद रखिएगा यहाँ फ्लोरीन जो है नहीं होना चाहिए तो ये जो लसाइन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे हेलोजन के लिए इसमें सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लसाइन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले जो भी एलिमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको कौन कौन से आय में कन्वर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं तो अगर अलग अलग एलिमेंट है तो हम इसको एक पर्टिकुलर आयन में कन्वर्ट करेंगे लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है यानी दोनों प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं इसको हम सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर एक्सेस सोडियम लगा करके आपके पास सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड बनता है तो उस रिएक्शन को भी देखते हैं So, मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है तो इसको क्या करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ में रिएक्शन करवा करके आपके पास सोडियम थाट में कन्वर्ट करते हैं सो इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू सोडियम थायोसाइनेट और फिर इस सोडियम थायोसाइनेट में इसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे कैसे रिड्यूस करेंगे एक्सेस एक्सेस सोडियम में हम इसमें पास करवाएंगे और फिर ये सोडियम साइनाइड यानी कि साइनाइडन और साथ में सोडियम सल्फाइड यानी कि में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, जो सोडियम थायोसाइनाइड था एक्सेस ऑफ सोडियम में इसको पास करवाएंगे एक्सेस ऐसे हम लिख रहे हैं तो क्या बनेगा सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड ठीक है अब यह तो तरीका था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट अब हम क्या करते हैं जो भी हमने एनाइन बनाया जो भी हमने रेडिकल बनाया है चाहे आप साइनाइड आयन की बात कर रहे हैं सल्फाइड आयन की बात कर रहे हैं उसका अब हम एक पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं तो देखिए जो आपके पास बना था एनएसएन बनाए थे हम आपने क्या किया था कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उसको सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करवा के आपने एनएसियन बनवाया था ठीक है अब इस एनएसियन का हम क्या करवाएंगे फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है नाम और इसका स्ट्रक्चर इसका फॉर्मुला फेरस सल्फेट को लिखते हैं एफ और फेरस सल्फेट पे चार्ज होता है एफई Fe पे एफ प्लस टू चार्ज होता है तो NaCN का रिएक्शन करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ में तो आपके पास बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड अगेन यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सोडियम फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर बताइए या फॉर्मूला बताइए और इसमें आयरन जो है प्लस टू चार्ज में होता है तो क्या करवाया हमने साइनाइड आयन का रिएक्शन करवाते हैं फेरस फेरोसल्फेड तो आपके पास बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड डन ठीक है फिर हम क्या करवाते हैं ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में तो आपके पास बनता है प्रोसियन ब्लू तो यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रसियन ब्लू का फॉर्मुला क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आप क्लियरली देख सकते हैं जो बाहर वाला आयरन है उस पर कलर होता है इसको बुलाते हैं फेरी फेरोसाइनाइड यहां एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपके पास आयरन के ऊपर प्लस टू चार्ज है तो इसको फेरो बुलाते हैं अगर आयरन के ऊपर प्लस थ्री चार्ज है तो उसको फेरिक बुलाते हैं ठीक है तो देखिए यहां प्लस थ्री चार्ज है इसलिए फेरिक फेरी और फेरो और फिर साइनाइड इसको इसका कलर होता है प्रसियन ब्लू तो क्या किया हमने तो यहां से पता चल जाता है कि एक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है जो आपने एनएसियन बनवाया था उसको फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम फेरोसाइनाइड बनाइए फिर इसका रिएक्शन करवाइएसीएल थ्री साथ में कॉन्सेंट्रेटेड एससीएल तो आपके पास फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा जो कि प्रसियन ब्लू का होता है अच्छा यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए जब भी हम डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन करवाएंगे इस मेथड से तो हम ये जो ये जो कंपाउंड होता है एन डबल बॉन्ड एन इसको बुलाते हैं एजो कंपाउंड तो एजो कंपाउंड नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है और अगर इसमें कार्बन नहीं होता है तो ये क्या होता है एजो कंपाउंड जो है यहां से नाइट्रोजन जो है वो इवापोरेट कर जाता है जब हम इसको हीट करेंगे तो डाई एजो कंपाउंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लसाइन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर हाइड्रोजीन जो है हाइड्रोजीन क्या होता है NH2, NH2. इसमें जो है कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा तो आप साइनाइड आयन नहीं बनाइएगा और जब तक साइनाइड आयन नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो हाइड्रोजिन में कार्बन नहीं है तो ये रिएक्शन ये लसाइन टेस्ट नहीं देगा सिमिलरली एन टू ओ एच ये भी लसाइन टेस्ट नहीं देगा, because no present. तो कंपाउंड टेस्ट क्यों नहीं देगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा जब हम हीट करेंगे ठीक है हाइड्रोजीन और एन टू ओ एच ये लसाइन टेस्ट क्यों नहीं देगा क्योंकि इसमें कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसको साइनाइड आइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जब तक साइनाइड आइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ये नहीं बनाएगा और इसका रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम सल्फर कैसे डिटेक्ट करेंगे तो आपको याद होगा कि लसाइन टेस्ट जब हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते थे तो उसमें सल्फाइड आयन हम कन्वर्ट करते थे तो सल्फाइड आयन कैसे बनता था एनएटूएस के फॉर्म में तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एन बना टू बना इसको हम क्या करते हैं आ, दो तीन ड्रॉप लेते हैं फ्रेशली प्रिपेर्ड नाइट्रो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी कि जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसको हम दो तीन फ्रेशली प्रिपेयर ड्रॉप लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में इसको इसके साथ में बनाते हैं तो आपके पास बनता है एन ए फोर एफिसियन होल फाइव एनओ फाइव एफिसियन फाइव एनओ एनओ एस बनता है इसको इसका कलर होता है वायलेट कलर और बुलाते हैं सोडियम सल्फोप्रोसाइड तो इसका नाम और स्ट्रक्चर याद रखिएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये होता है इसमें सी एन फाइव होता है और सोडियम सल्फोप्रोसाइड का ये होता है तो पहला स्टेप तो ये है कि जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दो या तीन ड्रॉप जो फ्रेशली प्रिपेर होता है तो आपके पास ये बनेगा फिर हम क्या करते हैं यही जो Na2S है इसका रिएक्शन करवाते हैं हम जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसको हम क्या करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लेड एसिटेट सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं और आपके पास बनता है एक ब्लैक प्रिसिपिटेट पीबीएस का तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जब हम डिटेक्शन करते हैं सल्फर का तो उसमें ब्लैक प्रिसिपिटेट बनता है वो किसका बनता है तो पीबीएस का बनता है तो ये भी याद रखिएगा तो ऐसे हम सल्फर को डिटेक्ट करते हैं लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो अगर आपके पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो यहां से आपको पता है सोडियम थायोसाइनेट बनता है और जब इस सोडियम थायोसाइनेट का रिएक्शन करवाइएगा एफिसियल के प्रेजेंस में तो अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता तो आपके पास प्रशियन ब्लू बनता जो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन में बात किया था कि अगर आपके पास और लेकिन अगर आपके पास में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तब जब आप FeCl3 के साथ में रिएक्शन करवाइएगा तो आपके पास ब्लड रेड पीपीटी बनता है ये याद रखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेलोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे मैंने आपको बताया था कि हेलोजन में भी सिर्फ हम किसको यूज करेंगे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ठीक है अच्छा हेलोजन को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे उसको सुन सबसे पहले हम क्या करते हैं जो आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना था हेलोजन के केस में वो बना था एनएक्स एनएक्स में आपके पास हो सकता है एनए सीएल एन ए और एनए ये हो सकता है तो जो आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है तो उस सोडियम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपको पता है वहां पे एन भी होगा वहां पे आपको पता है एनए भी होगा तो इसका तो टेस्ट हम करवा लिए पर इसको करना है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ और का टेस्ट करें इसलिए हम क्या करवाते हैं जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसको हम एच के साथ में एसिडिफाई करते हैं तो जैसे ही एसिडिफाई करते हैं तो क्या होता है एनएसियन और एनए जो है ये डीकम्पोज होता है ये क्वेश्चन आता है कि हम जब भी हेलोजन को डिटेक्ट करते हैं तो उसमें जो सो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको एसिडिफाई करते हैं HNO3 के साथ में क्यों क्योंकि NaCN और Na2S जो है है ये कर जाता है HNO3 के साथ में ठीक है अच्छा अब देखिए अब जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना है आपके पास एनएक्स अगर आप इसको एजी थ्री के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे क्या बनता है एजीसीएल का व्हाइट प्रिस्पिटेट बनता है और तो जैसे ही ये बना तो ये बताता है कि आपके पास कंपाउंड में जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट है तो इट कंफर्म्स क्लोरीन इज प्रेजेंट ठीक है और ये जो एजीसीएल है जो व्हाइट प्रिस्पिटेट बना है इट इज सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको पता है पता करना है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है या नहीं तो आप एन का रिएक्शन करवाइएगा AgNO3 के साथ में तो आपके पास एजी बनेगा इसका पेल येलो कलर होता है और पेल येलो कलर पहचानने का तरीका भी है क्योंकि तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरेंगली सोल्यूबल होता है हल्का फुल्का सोल्यूबल होता है और इट इंडिकेट्स कि आपके पास ब्रोमीन प्रेजेंट है अगर आपको पता करना है आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं तो वापस से AGNO3 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो कलर से आप पहचानिएगा ब्रोमिन है, तो है अगर कलर येलो मिल गया तो आप बोलिएगा तो उसमें आयोडीन प्रेजेंट है एंड दिस इज इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ऐसे हम एलोजन का डिटेक्शन करेंगे ठीक है तो देखिए जो आपके पास AgCN बना था वो व्हाइट प्रिस्पिटेट होता है silver cyanide, और AG जो होता है it is black PPT. फिर बात करते हैं हैं? हैं हम हम को को कैसे करेंगे। तो को करने के लिए हम क्या करवाते का करवाते का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे लेते हैं सोडियम पारोक्साइड एन तो जब फॉस्फोरस का इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं सोडियम पारोक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपके पास बनता है एनए और साथ में बनता है एनए एन ए तो ये जो एन बना इसको हम क्या करते हैं बॉइल करते हैं एच के साथ में तो जैसे ही बॉइल करते हैं तो आपके पास बनता है एस और साथ में एनएनओ और फिर इस एस का रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम मोलिबडेट ये आपके पास फॉर्मूला पूछा गया था जेई मेन्स में अमोनियम मोलिबडेट और साथ में एच एन ओ थ्री तो आपके पास बनता है येलो पीपीटी बनता है एनएस फोर होल्थ्राइस पीओ फोर डॉट ट्वेल्व मोलिबडेट ऑक्साइड का और साथ में एन और फोर एनओ थ्री और साथ में ये तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि फॉस्फोरस के डिटेक्टर में हम किसके साथ में बॉइल करते हैं तो याद रखिएगा एच के साथ में बॉइल करते हैं